सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन टू ओरिजिनेटर, टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी और टू बैंक। तो थोड़ा पॉइंट्स याद कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। देखो सबसे पहले इट इज एबल टू रेज द फंड्स, पैसा मिलता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग, इसका मतलब ये है दैट इट डज नॉट रिड्यूस इट्स ओन बोरोइंग कैपेसिटी, उनका जो बैलेंस शीट है वो एकदम साफ सुथरा रहता है। इट डज नॉट रिड्यूस इट्स बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ HDFC बैंक, और बेसिकली बैंकिंग को कुछ नॉर्म्स भी होता है जो फिलअप दैट इज से फुलफिल करना होता है, तो वो नॉर्म्स भी आपका फुलफिल रहेगा ही। HDFC बैंक डज नॉट हैव रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि इट इज टेक्निकली बोला जाता है इट इज अ नॉन रिकोर्स फंडिंग। नॉन रिकोर्स फंडिंग का मतलब ये है दैट से कोई भी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं रहेगा। दूसरा भी एक चीज मैं आपको बताता हूं, एकदम गौर से सुनो। सो डिस्कसिंग वन मोर पॉइंट, देखो HDFC बैंक जब भी लोन देता है तभी क्या होता है दैट से HDFC बैंक इज गोइंग टू गिव सो द लोन एट so far possible higher rate of interest। of course market में competition है तो उनका rate competitive तो होना ही चाहिए, but at the same time they say they try to maximize the rate of interest at which they can give loan। भाई क्यों ऐसा, भाई इसलिए that said HDFC bank को business करना है पैसों का, उनको हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाना है। वो हमेशा क्या बार्गेनिंग करते होंगे, वो हमेशा ऐसे बार्गेनिंग करते हैं कि हमको रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर हम आपको लोन देंगे तो, इसलिए वो लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो लेट अस से दैट से दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, ऐसे में लिख रहा हूँ 14%। तो 1000 रुपये का उन्होंने लोन दिया, देन इन दैट केस से लेट अस से ऐसे में लिख रहा हूँ इट इज रिक्वायर्ड टू बी रीपेड ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 12 months। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 1000 डिवाइडेड बाई 12 इट कम्स टू 83। तो वो लोग क्या करेंगे, लेट अस से दैट से द EMI वो लोग रखेंगे लेट अस से 110 रुपये का, तो क्या होगा ऊपर का ब्याज हो जाएगा। सो 110 × 12 यानी उनको मिलना कितना वाला है 1320। यानी हमने क्या किया फ्रेंड्स, एकदम गौर से सुनो, हमने क्या किया, जो भी हमारा फ्यूचर का रिसीवेबल है दैट इज सद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, 12th इंस्टॉलमेंट, ये सब इंस्टॉलमेंट को हमने डिस्काउंट किया डिवाइडेड बाय 1+k raised to 1, 1+k raised to 2 एंड सो ऑन। यार ये जो डिस्काउंटिंग है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 1000 होगा, और ये जो EMI है वो EMI आया 110 रुपये। तो 110 × 12 इन टोटल 1320, बट उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 1000। नाउ गोइंग फर्दर, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। नाउ HDFC बैंक जब स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करेगा ना, और इन्वेस्टर्स को वो बोलेंगे दैट से आप इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्टर के साथ क्या करेंगे, बार्गेन करेंगे एकदम कस के, क्या बोलेंगे, अरे भाई आपको तो कहाँ रिस्क है, हमने बहुत अच्छा स्क्रीनिंग करके लोन दिया है तो इसका डिफॉल्ट का चांसेस बहुत कम है। फिर क्या बोलेंगे, देखो आपको रिस्क कहाँ है, अगर हम लोग डिफॉल्ट भी हो जाते हैं ना, हम लोग बैंकरप्ट भी हो जाते हैं ना, तो भी आपका पैसा तो सिक्योरिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो पैसा मिलने वाला है ना, वो सारा का सारा पैसा आपको मिलने वाला है, हमको तो कहाँ बीच में कुछ मिलने वाला है, तो आपको रिस्क बहुत कम है। देखो हमने इसका क्रेडिट रेटिंग करवाया है, क्रेडिट रेटिंग देखो कितना अच्छा है। फिर हमने इसका इंश्योरेंस लिया है, यानी कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है ना, देन इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। फिर लोग ऐसा बोलेंगे हम लोग भी इंश्योरेंस देते हैं इसका, यानी टू सम एक्सटेंट हम लोग लॉस बेयर करेंगे अगर ये इन्वेस्टर दैट इज ये बोरोअर डिफॉल्ट करता है। So we have safeguarded your investment by number of ways। इसलिए देखो भाई आपको है ना, हम लोग रिटर्न देंगे सिर्फ 8% का,
एक्स से मैं अज्यूम फिगर ले रहा हूं 8% का। ऐसा करके सपोज कि स्पेशल पर्पस व्हीकल सिक्योरिटी इश्यू करता है ना, सुनो गौर से मैं क्या बोलने वाला हूं। ना ये 110 रुपए उसको 14% से डिस्काउंट करेंगे, 110 रुपए जो 12 टाइम मिलने वाले हैं यानी कि 1320 उसको मैं 14% से डिस्काउंट करता हूं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आता है 1000। ना यही 110 रुपए 12 टाइम्स मिलने वाले हैं जिसका टोटल वैल्यू है 1320, अभी उसको मैं डिस्काउंट करूंगा एट द रेट ऑफ 8%, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1000 से ज्यादा आएगा या 1000 से कम आएगा? इसका प्रेजेंट वैल्यू से 1000 से ज्यादा आएगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर नीचे करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा। यानी हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इसका प्रेजेंट वैल्यू आता है फॉर एग्जाम्पल 1250। यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्वेस्टर से कितना लेगा? 1250। अच्छा, वी अंडरस्टैंड इट से HDFC बैंक ने लोन दिया था 1000 का, तो HDFC बैंक स्पेशल पर्पस व्हीकल को, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स्ड है, क्या करेगा 1200 रुपए में से ये रिसीवेबल उनको ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड कि HDFC बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एबल टू से गेट द एडवांटेज ऑफ लोअर क्रेडिट रेटिंग, हायर क्रेडिट रेटिंग से ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन टू द ओरिजिनेटर। तो फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग ऐसा समझते हैं, लेट्स से हेड पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हेड पॉइंट्स पर फिर अपने आप से थोड़ा बहुत लिखेंगे हम लोग, पर ये हेड पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। पहला एडवांटेज है ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग, यानी क्या होगा, बैलेंस शीट के बाहर ये चीज होता है। सेकेंड, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, इसका मतलब ये है कि अभी HDFC बैंक को कलेक्शन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और वो अपने मेन बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोस, क्योंकि रिसीवेबल अभी कैश पोजीशन उनका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसकी वजह से उनका फाइनेंशियल रेशियोस लाइक इंप्रूव होगा, नो डाउट अबाउट इट। रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, ये जो मैंने आपको बताया ना कि 8% से वो लोग नया फ्रेश सिक्योरिटी इश्यू करेंगे, दैट इज फॉर द रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। तो इसमें हमको थोड़ा बहुत लिखना है, ये जो है वो एक आइडिया है, उसमें अगर हम लोग कुछ ऐड करना चाहे तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर, यानी कि बैंक, एंटिटी विच सेल्स द असेट्स कलेक्टिवली तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये हो जाता है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। व्हेन द लोन और रिसीवेबल आर सिक्योरिटाइज्ड, इट रिलीजेस अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल टाइड अप इन दीज असेट्स, रिजल्टिंग इन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, लीडिंग टू इम्प्रूव लिक्विडिटी पोजिशन विच हेल्प्स एक्सपांडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो हमारा लिक्विडिटी पोजिशन इंप्रूव हो जाता है और उसकी वजह से इट इज एबल टू से एक्सपांड इट्स बिजनेस। नेक्स्ट, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, बाय ट्रांसफरिंग द असेट्स द एंटिटी कुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कोर बिजनेस, और जो मेन बिजनेस है नहीं पाकर ध्यान आप, एज सर्विसिंग ऑफ द लोन इज ट्रांसफर टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो वो उनको ट्रांसफर कर दिया है और हम लोग हमारे मेन बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल रेशियोस, एस्पेशली इन केस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, इट हेल्प्स टू मैनेज द CAR इफेक्टिवली, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम लोग बेटर मैनेज कर सकते हैं। रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, सिंस सिक्योरिटाइज पेपर्स आर रेटेड विद द हाई क्रेडिट रेटिंग,
दे कैन ऑल्सो बी इश्यूड एट अ रिड्यूस रेट, यानी जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 8% होगा, भले हम लोग सबसे 14% ले रहे हैं। सो ये हेड पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं।